साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन BSNL बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन LIC बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूध का दाम बढ़ाता क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या? अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? दूध से इनका नाता नहीं है, चीनियों से जरूर है। दूध से नाता हो ना हो, चीनी से जरूर है। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे यहां आ गया, गलत किया, पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाइना का विरोध करती है, उसकी निंदा करती है कि चाइना को कोई अधिकार नहीं है को हमारी सीमा में घुसे, और अगर घुसेंगे तो हमको अपने देश के जवानों पे भरोसा है। हमारे घर में लोग फौज की नौकरी करते हैं, इसीलिए हमको पता है। अरे, जूता नहीं भी होगा ना तो हौसलों से उनका मुकाबला करेंगे, यह बात हम जानते हैं। लेकिन कुछ निकम्मे लोग हैं कि बड़ी चालाकी से वर्दी के पीछे छुप जाते हैं, कभी वर्दी को बदनाम कर देते हैं, कभी वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। जब प्रज्ञा बोल रही थी चाकू तेज कर लीजिए, तब वर्दी को बदनाम कर रही थी, पुलिस वालों का मजाक उड़ा रही थी, और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो वर्दी के पीछे छुप गए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष होने के नाते हम सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार से सवाल पूछना सेना का अपमान करना नहीं होता है। सरकार ये जवाब दे कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया है, तो हमारे जवान घायल कैसे हुए, इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्री को देना चाहिए।